बिहार प्रदेश का राज्यपाल श्री प्रमोद कुमार महोदय, बिहार का लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी और सम्माननीय शिक्षा मंत्री श्री के एन प्रसाद वर्मा जी और यहाँ का उप कुलपति श्री राज बिहार प्रसाद सिंह जी और यहाँ का चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मोहम्मद किशनुल हक जी और वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश सिन्हा जी और प्रोफेसर रविंद्र कुमार प्रोफेसर इंचार्ज पटना यूनिवर्सिटी, समारोह में आए हुए सभी अध्यापक और छात्र मित्रों और बहनों और भाइयों, पहले मैं सबको मेरे ओर से इस शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है आज इतिहास में प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय के समृद्ध पुस्तकालय के शताब्दी वर्ष समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं मन में बहुत प्रसन्न हूँ। अभी शास्त्री जी बोल रहे थे जी, मुझे भी जमाना याद आ रहा है जब आप लोग यहाँ बिहार में पटना विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन शुरू किया, उस समय में आंध्र विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते मैंने भी खेल प्रकार स्थान लिखा, आंदोलन में भाग लेकर उसी कारण से बाद में खेल गया, खेल जाने के कारण से फिर वकालत छोड़ दिया। मित्रों, एक समृद्ध पुस्तकालय अतः ज्ञान का मंदिर होता है, एक ज्ञान का मंदिर होता है। पुस्तकों में सिमटे असीम ज्ञान के सामने मनुष्य को अपने लघुता का संसार और उसे विनम्र बना देता है। जीवन में पुस्तकों की महत्ता बताते हुए प्राचीन रोमन दार्शनिक सिसिरो ने कहा था, बिना किताबों का कमरा बिना आपके शरीर के समान है, ऐसा कहा। यदि ज्ञान जिज्ञासा मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है तो पुस्तक और पुस्तकालय के प्रति आदर और आकर्षण होना स्वाभाविक है। हमारे संविधान में अभिव्यक्ति को व्यक्ति का मूल अधिकार माना गया है, लेकिन साथ ही विद्वानों का मत है, बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले पढ़ो। ये सबके लिए लागू है, केवल बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए, राजनेताओं के लिए भी और समाज में सब लोग, बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले पढ़ो, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो, ये बहुत जरूरी है। पिछले एक शताब्दी से आपके पुस्तकालय ने जिन युक्तियों में भी भावनाओं को चरितार्थ किया है, अपने कई पीढ़ियों को ज्ञान का दान दिया है, समाज के विकास में इस संस्थान का योगदान अभिनंदनीय है।